अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज डे 19 है तो हम चलते हैं फजर की नमाज़ के लिए। फजर का टाइम हो चुका है तो आज काफ़ी सारे भाई जा रहे हैं मेरे साथ, तो चलते हैं हम फिर फजर की नमाज़ के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, फजर की नमाज़ पढ़ने जाओ तो इतना अंधेरा क्यों होता है? 5:30 बजे जाओ तो अंधेरा क्यों होता है सुबह? इमाम साहब बैठे हुए हमारे, चली गई लाइट मस्जिद की तो हो चुका है अंधेरा। फिर एक तमाजा आ भी जाती है लाइट, हम नमाज़ पढ़ कर आ जाते हैं घर, और घर आने के बाद हम सब कामों से फ्री हो जाते हैं, सो होकर काम ही है वो मेरे। फिर ज़ोहर की नमाज आज कज़ा हो गई थी तो हम आ जाते हैं असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद, और जमात खड़ी हो चुकी है तो फिर पढ़ते हैं नमाज, और फिर मिलते हैं आपसे मगरिब के टाइम में। हम आ जाते हैं घर और हो जाता है मगरिब की नमाज का टाइम और इफ्तार का भी टाइम, तो फिर हम इफ्तार करके और फिर चल देते हैं मस्जिद की तरफ, और फिर हम अभी आपसे मिलते हैं मस्जिद में। और जमात खड़ी हो चुकी है, फिर हमने नमाज अदा करी मगरिब की, और जैसे जैसे रमज़ान जा रहे हैं और उसी तरह से नमाजी भी मस्जिद से जा रहे हैं, उसी तरह से कम हो रहे हैं नमाजी भी। तो फिर हम नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं अपने घर, और घर आने के बाद फिर हो जाता है ईशा की नमाज़ का टाइम, तो हम खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो फिर चलते हैं नमाज के लिए और बाहर जाके मिलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं मस्जिद के अंदर। हमने नमाज़ पढ़ी ईशा की और तरावियाँ भी पढ़ी, तो फिर चलते हैं हम घर, और ब्लॉग होता है यहीं ख़त्म। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।